श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में इस दुनिया की सारी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। श्री वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हैं। और भक्तों, वेदव्यास मुनि किसको भगवान मानते हैं? देखिए, महाभारत में ऐसा लिखा है कि यदि अपनी इंद्रियों के बल पर यदि हम ये पता लगाना जाए भगवान कौन, तो हम पता कभी नहीं लगा सकते। अपनी इंद्रियों के बल पर यदि हम जानना चाहे भगवान कौन है, तो ये कभी पता नहीं लगा सकते। मानो कि हम बच्चे हैं और बचपन से ही हमारे पिता विदेश में चले गए, हम बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद यदि हमें जानना है कि हमारा बाप कौन, हमारा पिता कौन, तो हमारी इंद्रियों के बलबूते पर हम ढूंढने जाए ये हमारे पिता, ये हमारे पिता, ये हमारे पिता, हमारे पिता कौन, हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन उस समय हम तुरंत हमारी माँ के पास चले जाए और पूछे, माँ तुम बताओ हमारे पिता कौन, तुरंत पता चल जाए। उसी प्रकार तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपन्ता। तर्क का कभी अंत नहीं है और स्मृति शास्त्र इतने हैं कि इस जीवन में पूरा पूरा पढ़ नहीं सकते। और यदि किसी को पूछेंगे तो मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब लोग अलग अलग जवाब देंगे। इसलिए बुद्धिमानी क्या है? महाजनो येन गतः सपन्ता, बड़े बड़े महाजन जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। भक्तों, महाजन कौन है? चैतन्य महाप्रभु महाजन है। और आज जब हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं तो वेदव्यास मुनि सबसे बड़े महाजन हैं। वेदव्यास मुनि ने जो रास्ता स्वीकार किया उस रास्ते को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी। भक्तों, ये भागवत का प्रथम श्लोक भागवत में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान है। किसी के घर में हमें जाना हो या वैकुंठ में यदि प्रवेश करना हो तो सबसे पहले उस द्वार से अंदर जाना होगा। भागवत में प्रवेश करने के लिए भागवत का प्रथम श्लोक द्वार के समान। यदि भागवत का यह प्रथम श्लोक समझ में आ गया, मानो आपको भागवत समझ में आ गया। और यदि ये भागवत का प्रथम श्लोक समझ में नहीं आया, एक बार नहीं 100 बार भागवत सुनोगे समझ में नहीं आएगा। और संसार के तथा कथित वक्ता जो है, ये भागवत के तथा कथित वक्ता इस भागवत के प्रथम श्लोक की ठीक से व्याख्या नहीं करते हैं। बस लोगों से मान प्रतिष्ठा और आदर प्राप्त करने के लिए ऐसा कहकर छोड़ देते हैं कि इस भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं। आप लोग अपने अपने भगवान को प्रणाम कर लीजिए। आप जिसको भगवान मानते हो वही आपका भगवान। तो कोई आदमी भूत को भगवान मानते क्या वो भगवान हो गए? ऐसी बात नहीं है। भागवत में सब कुछ क्लियर है, लेकिन बोलने वाले में यह ज्ञान होना चाहिए। वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में अपने इष्ट देव भगवान को प्रणाम करते हैं। और भक्तों, बुद्धिमानी यह है कि वेदव्यास मुनि जिसको भगवान मानते हैं उन्हीं को भगवान मान लिया जाए और उन्हीं की भक्ति प्रारंभ की जाए। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि वेदव्यास मुनि किसको भगवान मानते हैं? तो भक्तों, यहां पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदव्यास जी कहते हैं ओम नमः। नमः माने मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। किसे? तो कहते हैं वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं। वेदव्यास जी कहते हैं ओम नमो भगवते
मैं नमस्कार करता हूं किसको, तो कहते हैं भगवते, भगवान को। और पूछा जाए भगवान कौन, तो कहते हैं वासुदेवाय, वसुदेव नंदन वासुदेव, कृष्ण ही भगवान है। तो मान लो वेदव्यास मुनि को पूछा जाए कि आप कृष्ण को भगवान क्यों मानते हो, कृष्ण ही भगवान क्यों है, ऐसा कृष्ण में क्या है कि जिससे आप कृष्ण को भगवान मानते हो। हे वेदव्यास मुनि, आप जिस कृष्ण को भगवान मानते हो उस भगवान कृष्ण का परिचय दीजिए। तब वेदव्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में भगवान से कृष्ण का परिचय देते हैं, और परिचय देते हुए कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण के विषय में बताते हैं। भक्तों, ये भागवत का प्रथम श्लोक जिसकी बहुत बृहद व्याख्या हो सकती है, पिछले 9 साल पहले मैंने इस एक श्लोक के ऊपर 6 महीना प्रवचन किया था। इस भागवत के प्रथम श्लोक की इतनी बृहद व्याख्या हो सकती है। आचार्यों ने अपनी टीकाओं में अनेकों चीजें इस श्लोक के ऊपर लिखी हैं। प्रभुपाद जी ने भी बहुत बड़ा परपोट लिखा है इस प्रथम श्लोक के विषय में। हमारे पास समय का अभाव है, इसलिए यथा समय यथा मति यथा बुद्धि हम आपके बीच में इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। इस प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का वर्णन करते हैं। लक्षते अनेन इति लक्षणम, ऐसी वस्तु जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्ति का परिचय हो उसे लक्षण कहा जाता है। इस भागवत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हैं और कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, तो कहते हैं जन्मादस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञस्वराः। सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, तो कहते हैं जन्मादस्य, जन्म आदि यस्य। कृष्ण वो है जिन्होंने इस संसार को जन्म दिया है। कृष्ण वो है जिससे ये एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण ही इस संसार को प्रकट करते हैं और प्रकट करने के बाद कृष्ण ही इस संसार का पालन करते हैं और समय आने पर कृष्ण ही इस संसार का प्रलय करते हैं। कृष्ण का परिचय देते हैं, कृष्ण भगवान है उनकी भगवत्ता का प्रथम लक्षण बताते हैं। इस संसार में हम उस व्यक्ति को बड़ा मानते हैं जिसके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है। गांव में आप देखोगे जिसके खेत में ज्यादा उत्पादन होता है, जो ज्यादा प्रोडक्शन करता है, उसको बड़ा माना जाता है। हमारे शहरों में भी जिसकी कंपनी में ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो बड़ा आदमी। इस संसार का मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कितना प्रोडक्शन कर सकता है, कृष्ण तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का प्रोडक्शन करते हैं, दुनिया में सबसे महान है। इस संसार को जन्म देते हैं भगवान कृष्ण की जब इच्छा होती है तो उनके रोम कुप से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और केवल जन्म ही नहीं देते, प्रकट करना कोई बड़ी चीज नहीं है, उसको मेंटेन करना बड़ी चीज है। कृष्ण इस संसार का पालन करते हैं। कैसे पालन करते हैं आप लोग कह सकते हो, हमारे परिवार का पालन तो हम लोग करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग कमाते हैं। परंतु भक्तों, ये मेहनत करने की शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा हृदय में बैठकर। यदि परमात्मा इस स्थान को छोड़ देवे, क्या हमारा हाथ पग चल पाएगा? भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि को, संसार को प्रकट करते हैं और साथ ही साथ इस संसार को चलाते हैं, हवा पानी प्रकाश और अनेकों प्रकार की शक्तियों के द्वारा।
और इतना ही नहीं, समय आने पर वही भगवान कृष्ण इस संसार का प्रलय करते हैं। ध्रुव महाराज भगवान विष्णु को स्तुति करते हुए कहते हैं, कल्पांते एतद् अखिलं जठरेन गृह्णन्। हे प्रभु, कल्प के अंत में जब आपकी इच्छा होती है तो इस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को आप अपने जठर में धारण कर लेते हो, और शेते पुमान, ये सारे ब्रह्मांड को आप अपने शरीर में धारण कर लेते हो और आराम से सो जाते हो। इस संसार में कुछ बापू और कुछ बाबा अपने आप को भगवान मानते हैं। साधारण मनुष्य अपने आप को भगवान मानता है, उसे कहना चाहिए भगवान तो कल्प के अंत में करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करते हैं और आराम से सो जाते हैं, क्या आप ये कर सकते हो? दो रोटी ज्यादा खा लेते हैं, अपच हो जाता है और सोडा पीनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, और अपने आप को भगवान मानते हैं। भगवान तो वो है जो करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठर में धारण करे और आराम से सो जाते हैं। एक बार द्वारिका में पांडवों में से जो मंझले भैया है जिसका नाम है भीम, वो भीम द्वारिका में गए, और भीम जो है कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के नर्म सका है। कृष्ण और भीम के बीच में कभी कभी मजाक होती रहती है, हंसी मजाक। कृष्ण भीम द्वारिका में गए, द्वारपाल ने रोका, बोले आप कौन? बोले मैं भीम। किससे मिलना है? बोले कृष्ण से मिलना है। बोले यहां खड़े रहो, कृष्ण से मिलकर आते हैं। वो जो द्वारपाल था वो कृष्ण के कक्ष में चला गया, और उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे। द्वारपाल ने कृष्ण को कहा, आपसे मिलने के लिए हस्तिनापुर से भीम भैया आए हैं। कृष्ण ने कहा, एक काम करो, उस भीम को कहो बाहर ही खड़ा रहे, मैं भोजन कर रहा हूँ, वो मोटू यदि अंदर आ जाएगा, वो पेटू यदि अंदर आ जाएगा तो मेरा खाना अधूरा रह जाएगा। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भीम को वृकोदर कहा गया है, अति भोजी, जो खाने में बिल्कुल एक्सपर्ट है। और हुआ क्या, जब द्वारिपाल उस कक्ष में आ रहा था तो भीम ने सोचा कि कृष्ण तो मेरा मित्र है, मुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है। भीम भी उस द्वारपाल के पीछे पीछे चलते हुए आ रहा था, और कृष्ण ने जब कहा कि उस पेटू को अंदर मत आने देना, भीम ने यह सुन लिया, भीम के कान में यह बात चली गई। भीम आया कृष्ण के पास, और भीम ने कृष्ण को कहा, कृष्ण तुम मुझे पेटू कहते हो, तुम मुझे मोटू कहते हो, मैं कितना खाता हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 15-20 बाल्टी लड्डू खाता हूं, और तो ज्यादा नहीं खाता हूं। मैं जब खाने बैठता हूं तो 15-20 बाल्टी लड्डू खा जाता हूं, लेकिन कृष्ण जब आप खाते हो तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को ही अपने पेट में धारण कर लेते हो। आपसे बड़ा पेटू इस संसार में दूसरा और कौन है? भक्त तो ये है कृष्ण, जो इस संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने भगवान को नाम दिया गॉड। भगवान का नाम क्या रखा? गॉड। भक्तों, परफेक्ट नाम रखा। गॉड का अर्थ क्या होता है? गॉड में तीन अक्षर है, GOD। जी का अर्थ होता है जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर, और डी माने डिस्ट्रॉयर, जो संसार को जनरेट करे, ऑपरेट करे और डिस्ट्रॉय करे, प्रलय करे, उसे गॉड कहा जाता है। और ये गॉड एकमात्र कृष्ण है। मन में ये प्रश्न हो सकता है कि संसार का सर्जन तो ब्रह्मा करते हैं, संसार का पालन तो विष्णु करते हैं, संसार का प्रलय तो शिव जी करते हैं, लेकिन भक्तों तत्व की बात यह है कि भले ब्रह्मा संसार का सर्जन करे, विष्णु संसार का पालन करे और शिवजी संसार का प्रलय करे, लेकिन ये तीनों भगवान कृष्ण के कहने पर संसार का सर्जन, पालन और प्रलय करते हैं। और इसीलिए तो ठाकुर भक्ति विनोद ने अपने भजन में लिखा है, तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार, Oh,
भूमि सर्वेश्वरे श्वर बजेंद्र कुमार भूमि सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार भूमि सर्वेश्वरेश्वर बजेंद्र कुमार तुमार इच्छाय विश्वे तुमार इच्छाय विश्वे तुमार इच्छाय विश्वे तुमार इच्छाय विश्वे सृजन संहार तुम्ही सर्वेश्वरे श्वर जेंद्र कुमार तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर जेंद्र कुमार ठाकुर भक्ति विनोद भारत के परम संत हैं जिसे भक्ति भागीरथ कहा गया जिसे भागीरथ जी गंगा को इस पृथ्वी पर प्रकट किए वैसे ठाकुर भक्ति विनोद सदियों से चलती हुई भक्ति रस धारा को इस पृथ्वी पर पुनः प्रस्थापित किए इसलिए उसे भक्ति भागीरथ कहा जाता है। ऐसे भक्त भागीरथ ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि हे कृष्ण तुम ही सर्वेश्वरेश्वर इस संसार में सभी ईश्वरों के ईश्वर एकमात्र कृष्ण आप हो। ईश्वर तो बहुत सारे हैं बहुत सारे कंट्रोलर इस दुनिया में हैं। इंद्र देवता वर्षा के कंट्रोलर हैं वायु देवता पवन के कंट्रोलर हैं वरुण देवता समुद्र के कंट्रोलर हैं। इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं लेकिन सभी ईश्वरों के भी ईश्वर यदि कोई है तो हे कृष्ण आप एकमात्र हो और आपकी इच्छा से ही इस संसार का सृजन होता है आपकी इच्छा से संसार का पालन और प्रलय होता है। यदि मानो हमारे मन में यह हो कि संसार का सृजन तो ब्रह्मा करते हैं तब ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन आपकी इच्छा से ही ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं और आपकी इच्छा से ही हे कृष्ण आपके कहने से ही विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं। कहते हैं तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मतो ब्रह्मा करे न सृजन तव इच्छा मते विष्णु तव इच्छा मतो विष्णु तव इच्छा मतो विष्णु करे न पालन तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर गजेंद्र कुमार तो
इस संसार का सर्जन करने वाले कृष्ण, इस संसार का पालन करने वाले कृष्ण, इस संसार का प्रलय करने वाले कृष्ण, इसलिए संसार में ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वेश्वर, साक्षात भगवान यदि कोई है तो वह है कृष्ण। और यदि हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण के धाम वैकुंठ की प्राप्ति करते हैं। इसलिए प्रेम से गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, खड़े होकर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाचते हुए प्रेम से नाचिए, आप बढ़ाइए, आप नाचिए, जय हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय हो राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा रानी को महारानी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली मारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारो, मनमोहन मुरली मारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली मारो, घर घर माखन जाय चुरावे, घर घर माखन जाय चुरावे। देखिए सब लोग गाइए और गाने के साथ नाचिए, क्योंकि इस संसार में जब भागवत के सामने भगवान के सामने नाचते हैं तो माया के सामने नहीं नाचना पड़ता, इसलिए प्रेम से नाचिए। घर घर माखन जाय चुरावे, घर घर माखन जाय चुरावे, माखन खाय दधी फैलावे, माखन खाय दधी फैलावे,
माखन खाय दधि फैलावे माखन खाय दधि फैलावे माखन चोरी होते माखन चोरी होते माखन चोरी होते लागे बड़ प्यारो मनमोहन मुरली वारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो पे जल भरन न देवे घट पे जल भरन न देवे कौन घट पे जल भरन न देवे कौन घट पे जल भरन न देवे गगरी भरी शीश लुढ़कावे गगरी भरी शीश लुढ़कावे गगरी भरी शीश लुढ़कावे गगरी भरे शीश लुढ़कावे गगरी फोड़ी हूँ पे गगरी फोड़ी हूँ ते गगरी फोड़ी हूँ ते लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली मारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो जय हो राधे गली सा करी घेरे नित ही गली सा करे छेड़े नित ही गली सा करी घेरे नित ही गली सा करे घेरे नित ही दही को दान ले बर बस ही दही को दान ले बर बस ही दही को दान ले बर बसही दही को दान ले बर बसही लूटे मटकी हूँ पे लूटे मटकी हूँ पे लूटे मटकी हूँ पे लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो लागे बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मनमोहन मुरली वारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो Hey!
जगलिन में जो मिल जावे, कुंज गलिन में जो मिल जावे, भैया पकड़ के रार मचावे, भैया पकड़ के रार मचावे, रार करे हूँ पे, रार करे हूँ पे, रार करे हूँ पे, लागे बड़ प्यारो मन मोहन मुरली मारो, रार करे हूँ पे प्यारो राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली मारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो मन मोहन मुरली मारो, राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, ब्रिज की सब बाला रूप रसाला, करी गए हाला नंद लाला, रागी तन ज्वाला विपत्रशाला, दिन दयाला नंद लाला, आए नहीं आला कृष्ण कृपाला, बंसी वाला बनवारी, नरसुखकारी मित्र मुरारी, गए विसारी गिरधारी रे जी, गए विसारी गिरधारी रे, गए विसारी गिरधारी, हम राधा गिरधारी, राधा गिरधारी, राधा गिरधारी राधे, राधा गिरधारी, राधा गिरधारी, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि नाम संकीर्तन की भागवत भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, नित्य गौर प्रेमानंदे, सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए, जहाँ पर भी खड़े हैं अपने स्थान पर बैठ जाइए, शोर मत कीजिए। अस्य यतोन्व आदितरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरय, शिवदेव्यास मुनि भागवत के प्रारंभ में भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण का परिचय देते हुए कहते हैं, कृष्ण ही संसार के सर्जनहार हैं, पालनहार हैं और प्रलय करने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस संसार को प्रकट करने के बाद कृष्ण संसार के सभी जीवों के प्रति अभिज्ञ है। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार,
इस संसार के मनुष्य भी कुछ बच्चों को जन्म देते हैं, अपने संतान को जन्म देते हैं। अपने संतानों को जन्म देने के बाद आज के माता पिता अपने संतान के बारे में जानते नहीं हैं। कभी कभी होता है संतान बिगड़ जाता है, कहाँ चला जाता है, क्या पीता है, क्या खाता है, माता पिता नहीं जानते हैं। संतान की बात तो दूर रही, आज के लोग अपने बारे में भी पूरा पूरा नहीं जानते हैं। शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर साहब देखिए ना मेरा हाथ है। और सत्य कहें तो डॉक्टर भी पूरा पूरा नहीं जानते हैं, डॉक्टर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। कहाँ गए केशवानंद प्रभु, ठीक, डॉक्टर भी तुक्का मारते हैं, डॉक्टर भी पूरा पूरा नहीं जानते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, गोली लिख कर देते हैं, तीन दिन के बाद आते हैं, डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ, तब दूसरी गोली लिख कर देते हैं, दो तीन गोली बदलते हैं, एक गोली फिट हो जाती है, डॉक्टर लिख लेता है, फिर दोबारा आता है तो वही गोली दे देता है, और हम मानते हैं हमारा फैमिली डॉक्टर है। भक्तों, इस संसार में हम हमारे संतान के बारे में, हम हमारे बारे में पूरा पूरा नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान एक है, लेकिन इस सृष्टि के सभी जीवों के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वेदा हम समतीतानी वर्तमानानी च अर्जुन भविष्याणी च भूतानी माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, इस दुनिया के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं, मैं एक हूं, लेकिन एक होकर दुनिया के सभी जीवों के भूत भविष्य वर्तमान जानता हूं, लेकिन दुख की बात यह है कि संसार के सभी जीव मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बारे में नहीं जान पाते हैं, मुझे एक को नहीं जान पाते हैं। तो भगवान अभिज्ञ है, सब के बारे में जानते हैं। आप लोग भी अभी पंडाल में बैठकर क्या सोच रहे हैं भगवान जानते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कब ये बंद करेगा और कब प्रसाद मिलेगा, हैं? कुछ लोग गाली भी दे रहे होंगे, हैं? भले हम जाने या न जाने, भगवान सब जानते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में बैठे हैं, भगवान से कुछ छिपा हुआ नहीं है। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं अभिज्ञ कृष्ण ही संसार को जन्म पालन प्रलय करते हैं, और कृष्ण सब के बारे में जानते हैं। और इतना ही नहीं, कहते हैं स्वराट, एक एक शब्द की बहुत बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या हो सकती है। समय के अभाव में यही समझिए, भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, स्वराट, और हम लोग स्वतंत्र नहीं है। भले हम लोग इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं और हम नारा लगाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन तत्व से देखा जाए तो हम लोग परतंत्र हैं। हम सब लोग बंधे हुए हैं, ये आत्मा पंच महाभूत से बने हुए ये शरीर के बंधन में बंधी हुई है। इस आत्मा के ऊपर पंच महाभूत का बंधन, मन बुद्धि अहंकार का बंधन, जन्म का बंधन, मृत्यु का बंधन, बुढ़ापा का बंधन, रोग का बंधन, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्रय का बंधन, पत्नी का बंधन, पुत्र का बंधन, समाज का बंधन, देश का बंधन, एक से एक बंधन हमारे ऊपर लगे हुए हैं। कौन कहता है हम स्वतंत्र हैं? संसार का जीव स्वतंत्र नहीं, परतंत्र है। लेकिन भक्तों, भगवान से कृष्ण स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई है, कृष्ण के ऊपर किसी का राज नहीं, कृष्ण स्वयं राजा, स्वयं स्वतंत्र है। तो स्वराट है, पर इतना ही नहीं, परम ज्ञानी है। कहते हैं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान किया और ब्रह्मा को ज्ञानी बना दिया। और जो नित्य अपने धाम में विराजमान है, जिनकी ये सृष्टि बड़ी मायावी है,
जो इस सृष्टि में रहता है वो उस भगवान की माया में फंस जाता है, परंतु भगवान कभी अपनी माया में नहीं फंसते हैं। जो महामाया से पूर्ण रूप से दूर है, ऐसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। तो भक्तों, वेदव्यास मुनि भगवान श्री कृष्ण का परिचय प्रथम श्लोक में दिए और भगवान को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात भागवत के दूसरे श्लोक में इस भागवत का विषय वस्तु निर्देश करते हैं। भागवत में क्या है ये बताने जा रहे हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं, धर्म प्रोजित कैत वोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर सद्य ही अवरद्ध तेत कृत भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भागवत का ये दूसरा श्लोक, और इस दूसरे श्लोक में भागवत के विषय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये भागवत जो है, इस भागवत में संसार के सबसे श्रेष्ठ धर्म का वर्णन हुआ है। भागवत में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया है, सभी प्रकार के कपट से ये मुक्त है भागवत। इसका अर्थ यह है कि भागवत के पहले वेदव्यास मुनि ने जितने भी पुराण लिखे, ग्रंथ लिख में, उनमें वेदव्यास जी ने कपट किया। अन्य अन्य पुराणों में वेदव्यास मुनि ने कपट किया है, लेकिन भागवत प्रोजित कैत वोत्र परमो कपट से मुक्त है। क्यों? क्योंकि अन्य पुराणों में वेदव्यास मुनि ने लौकिक धर्म का वर्णन किया, परंतु भागवत में अलौकिक धर्म, आत्मा के धर्म का वर्णन किया। इस लोक में आप सब लोग जानते हैं कि किसी का विवाह होता है, किसी दुल्हे का विवाह होता है, और उस दुल्हे की बारात में जाते हैं तो जो माताएं होती हैं वो दुल्हे का गीत गाती हैं। है? दुल्हे का नाम लेकर आपके समाज में गाया जाता है ना, दुल्हे का नाम रखकर गीत गाते हैं, हमारा दुल्हा ऐसा है, दुल्हा वैसा है, दुल्हा कोयले जैसा काला है, सुबह मिल जाए तो दिन बिगड़ जाए, लेकिन जिस दिन उनकी शादी होती है तो गाने तो उन्हीं के नाम के गाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार वेदव्यास मुनि ने अन्य अन्य पुराण लिखे तो जिसके नाम से पुराण लिखा उन्हीं का गाना गाया। शिव पुराण लिखिए तो शिव जी को ही भगवान कह दिया, देवी पुराण लिखिए तो देवी को भगवान कह दिया, गणेश पुराण लिखा तो गणेश जी को भगवान कह दिया। इस प्रकार वेदव्यास जी ने कपट किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेदव्यास जी स्वयं भागवत के दूसरे श्लोक में स्वीकार कर रहे हैं कपट किया। और आगे चलकर वेदव्यास मुनि को नारद जी ने डांटा कि आपने ये बहुत गलत किया, कलयुग के लोग ये आपके अलग अलग पुराण पढ़ेंगे और जब आपस में मिलेंगे तो झगड़े के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। और कलयुग के झगड़े का दोष वेदव्यास जी आपको लगा है, इसलिए यदि आप अपने दोष को सुधारना चाहते हो तो आप अब अंतिम ग्रंथ लिख दो और उसमें अपनी सारी गलती को सुधार लो। तब वेदव्यास मुनि ने अपने जीवन के अंतिम ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। भागवत के बाद वेदव्यास मुनि ने कुछ नहीं लिखा। भक्त, ये भागवत वेदव्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ। भागवत लिखने के बाद वेदव्यास मुनि ने अपनी कलम रख दी, क्योंकि ये इतना दिव्य, ये इतना पूर्ण ग्रंथ है कि इसको लिखने के बाद और कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वेदव्यास मुनि कहते हैं, अन्य अन्य ग्रंथों में, अन्य पुराणों में मैंने कपट किया, लेकिन भागवत में मैंने किसी भी प्रकार का कपट नहीं किया है। इसलिए इस भागवत सुनने वाला व्यक्ति कपट से मुक्त हो जाता है। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत सुनने वाला व्यक्ति मत्सर से मुक्त हो जाता है। और वेद्यव वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ये भागवत ही एक ऐसी वस्तु है जो वास्तव में जानने लायक है।
क्योंकि संसार में कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने से मात्र जीवन में शोक और चिंता उत्पन्न होती है, परंतु वेदव्यास मुनि कहते हैं एक बार भी यदि कोई भागवत पढ़ लेता है तो शिवदम उनके जीवन में मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण हो जाता है। भागवत पढ़ने वाले के जीवन में भगवान सारे अमंगल हर लेते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। जो भागवत सुनता है उनका अमंगल नष्ट हो जाता है और भगवान उसे मंगल प्रदान करता है। तो यह है भागवत की महिमा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परे, वेदव्यास जी ने बहुत कुछ बहुत सुंदर लिखा। बोले जब मैंने भागवत की रचना कर दी है तो अन्य पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ, क्योंकि अन्य पुराणों पढ़ेंगे तो किम श्रुते बहुर्भि शास्त्रे पुराणस्य भ्रमावह। अन्य पुराण पढ़ने से मात्र मति भ्रमित हो जाएगी, लेकिन यदि भागवत पढ़ोगे तो सारे संशय दूर हो जाएंगे। इसलिए भागवत को पढ़िए, अन्य ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि भागवत पढ़ने से भगवान की प्राप्ति होती है। भक्तों वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि भागवत पढ़ने से भगवान की प्राप्ति हो ये तो बहुत दूर की बात है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए भागवत को पढ़ने की जरूरत नहीं। जिस दिन व्यक्ति मन में सोच लेता है कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, सुनी नहीं है, 2 महीने पहले 3 महीने पहले जब किसी व्यक्ति के मन में इच्छा हो जाती है कि मैं भागवत कथा सुनूंगा, इच्छा करने मात्र से भगवान उनके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सत्य ही अवरुद्ध ते तकृति भी सुश्रूषु भी तत्क्षणात्, उसी क्षण उसी समय भगवान भागवत सुनने की इच्छा करने वाले भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो भक्तों भागवत के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ये भागवत की महिमा है। वेदव्यास मुनि दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश करते हैं और तीसरे श्लोक में भागवत कथा सुनने के लिए निमंत्रण देते हैं कि आइए और इस भागवत को सुनिए। तब तो 3 श्लोक में वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। वेदव्यास मुनि भागवत कथा प्रारंभ करते हैं और श्रोताओं के मन को उस स्थान पर लेकर जाते हैं जहां पर सूद गोस्वामी और 88,000 ऋषि मुनियों का मिलन हुआ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शोनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत त एकदा तु मुनय प्रातर्हूत हुताग्नय सत्कृतं सुतमासीनम् प्रपच्छो इदमादरा। सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि स्थान का निर्देशन करते हैं। भक्तों भागवत प्रारंभ करते ही सबसे पहले स्थान का वर्णन है। स्थान का वर्णन करके वेदव्यास जी ने श्रोताओं को यह बताया किसी भी कार्य को करने के लिए स्थान की बड़ी महिमा है। किसी भी कार्य में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी
ये स्थान के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके कार्य को करने के लिए स्थान अनुकूल है तो कम मेहनत में भी आपका कार्य सफल हो जाएगा, और यदि स्थान प्रतिकूल है तो बहुत बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाओगे। स्थान की अपनी महिमा है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान का अपना प्रभाव होता है। तो भक्तों, एक समय की बात, द्वापर युग का अंत हो रहा था, कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। कलयुग को आते हुए देखकर भारत के लगभग 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन करने लगे कि हम यज्ञ करना चाहते हैं, समाज में शांति लाना चाहते हैं, परंतु यज्ञ करने के लिए कोई अच्छे स्थान का निर्देशन कीजिए जहाँ पर कलयुग का प्रभाव न हो। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र बनाया, ब्रह्मलोक से छोड़ा, लखनऊ से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर वह चक्र आकर गिरा। और भक्तों, चक्र की नौमी वहां पर क्षीण हुई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ नैमिषारण्य। निमिष नाम के अनेक वृक्ष होने के कारण उस स्थान को नैमिषारण्य भी कहा जाता है। वह सारे ऋषि मुनि वहां पर यज्ञ करने लगे, यज्ञ की ध्वनि उठने लगी, एक के बाद एक दिन बीतने लगे। एक दिन उस ऋषि मुनियों को पता चला कि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी आ रहे हैं। रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा सूत नैमिषारण्य में आ रहे हैं, जो भागवत के वक्ता है। जैसे ही ऋषि मुनियों को पता चला, ऋषि मुनियों ने मीटिंग की, और मीटिंग का एजेंडा था कि अब हम क्या करें। तब सभी ऋषि मुनियों ने यह अंतिम निर्णय लिया कि यदि भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी आ रहे हो तो हमें यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ होता है। इसलिए जब भागवत कथा रूपी ज्ञान यज्ञ हमें मिल रहा है तो ये धुआं का यज्ञ करने की जरूरत नहीं। ऋषि मुनियों ने अपना यज्ञ बंद कर दिया भागवत कथा को सुनने के लिए। भारत के ऋषि मुनियों ने भागवत के प्रारंभ में ही संसार को ये उपदेश दिया कि जब भागवत कथा का अनुष्ठान हो रहा हो, जब भागवत कथा सुनने का अवसर मिल रहा हो, तो अपने सारे कर्तव्यों को त्याग कर मात्र कथा को सुनना, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। भक्तों, ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म है होम हवन, यज्ञ करना, यजन याजन करना, ये ऋषि मुनियों का स्वाभाविक कर्म है। परंतु ऋषि मुनियों ने अपने कर्म तक को त्याग दिया इस भागवत को सुनने के लिए। यज्ञ को त्यागा, सुध गोस्वामी आए, ऋषि मुनियों ने स्वागत किया, सुध गोस्वामी की पूजा की, उच्च आसन पर बिठाया और सुध गोस्वामी को 6 प्रश्न पूछे। भागवत के प्रारंभ में 6 प्रश्न है, और भक्तों, उस 6 प्रश्न के उत्तर में सुध गोस्वामी ने नैमिषारण्य में भागवत कथा सुनाई। श्री सुध गोस्वामी भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। कहा जाता है जहां पर महाभारत का अंत हुआ वहां से भागवत प्रारंभ हुआ। महाभारत का अंत कहां हुआ और भागवत कहां प्रारंभ हुआ, सूत जी कहते हैं। यदा मृदय को रव सिंजयाना विरेश्वतो वी रगतिं गतेषु वृकोदरावीद्व गदाभिमर्श भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे।
विद्वानों का ऐसा कहना है कि जहाँ पर महाभारत का अंत हुआ वहाँ से भागवत प्रारंभ हुआ। महाभारत का अंत हुआ उस कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कौरव और पांडवों का युद्ध चला और ये युद्ध 18 दिन तक चला और 18वें दिन क्या हुआ, श्री सुध गोस्वामी कहते हैं, यदा मृदे कौरव सृंजयाराम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेशु। उस महाभारत के 18 दिन के युद्ध में पांडव और कौरव के बीच में युद्ध हुआ और सारे कौरव वीर गति को प्राप्त हो गए और उस युद्ध के अंतिम दिन 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट गई और कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन अपने मरने की अंतिम घड़ी गिन रहा है। अंधेरी रात है और इस कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन कराह रहा है, तड़प रहा है। सभी पांडव अपने अपने शिविर में जाकर सो गए हैं, अंधेरी रात है, सन्नाटा छाया हुआ है और उस समय दुर्योधन की खबर लेने के लिए महाभारत के 3 वीर वहां पर उपस्थित हुए, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए। दुर्योधन को देखकर इन तीनों के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, अश्वत्थामा के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और उस समय अश्वत्थामा अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भरतुम प्रियम द्रोणी रितिम स्मपश्यन कृष्णा सुतानम सुपताम सिरांशी, अपने स्वामी दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा वहां से दौड़ गया और दौड़कर अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में चला गया। और भक्तों उस समय पांडव अपने अपने शिविर में सो रहे थे, उस सोए हुए पांडवों के मस्तक को काट दिया। पांडवों के मस्तक को काटकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया और कहा, मित्र दुर्योधन, प्रभु आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अभी पांडवों के शिविर से आया हूं और अभी अभी मैंने 5 पांडवों के मस्तक को काट दिया, मार डाला। दुर्योधन ने कहा, असंभव, अश्वत्थामा ये हो नहीं सकता है। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने अभी अभी मैं इन्हीं हाथों से मार कराया। तब दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तुम जब पांडवों के मस्तक काटने गए तो मुझे ये बताओ कृष्ण कहां थे? पांडवों के मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब दुर्योधन ने कहा कि मैं जीते जी और कुछ तो नहीं समझ पाया लेकिन इतना तो समझ गया हूं कि जहां कृष्ण खड़े होंगे वहां पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, इसलिए बताओ अश्वत्थामा कृष्ण कहां थे? अश्वत्थामा ने कहा कि प्रभु मैं जानता था कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं 5 पांडवों के मस्तक को काटकर गोनी में भरकर लेकर आया हूं। तब तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया, कहा ठीक है, वे मस्तक मेरे हाथों में रखो क्योंकि उसमें जो भीम का मस्तक होगा वो वज्र से भी कठोर होगा, उसे मैं पहचान लूंगा। अंधेरी रात थी, अश्वत्थामा ने एक एक करके 5 मस्तक दुर्योधन के हाथ में रखे लेकिन उस मस्तक को हाथ में लेते ही पच 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 करके 5 मस्तक फूट गए और तब दुर्योधन को पता चला कि अश्वत्थामा 5 पांडवों के मस्तक काट कर नहीं आया, पांडवों के नन्ने नन्ने 5 बालक के मस्तक को काट कर आया है। पांडवों के संतान, पांडवों के बालक के मस्तक काट कर आया, यह पता चलते ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई। भक्तों किसी ऋषि ने दुर्योधन को श्राप दिया था कि जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। पांडवों का मस्तक काट कर लाया हूं यह सुनकर दुर्योधन को हर्ष हुआ और पांडवों के नन्हे नन्हे बालक के मस्तक है यह सुनकर दुर्योधन को शोक हुआ
मृत्यु हो गई। और दूसरी ओर द्रौपदी अपने पुत्र को जगाने के लिए अपने पुत्र के मस्तक से जब चादर हटाई तो द्रौपदी ने देखा कि उनके पांचों पुत्र के मस्तक कट गए हैं। रोने लगी, करुण दृश्य छा गया। सूत जी वर्णन करते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदारुराष्प कौलाकलाक्षी तां सन्त्वयन्नाः कीरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमान। तो द्रौपदी के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, पांच पांच पुत्र की हत्या हो गई। रोने लगे, द्रौपदी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उनके पांचों पति दौड़कर आए। पांडवों ने देखा द्रौपदी दुखी है, उसी समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, कहे द्रौपदी, जिस किसी व्यक्ति ने तेरे पुत्र को मारा है आज वह अपराधी, आज संध्या तक मैं उसे पकड़ लूंगा और तुम्हारे चरणों में सौंप दूंगा। तुम उसे के मस्तक पर अपना पांव रखकर आत्मा अपने पुत्र के अंत्येष्टि क्रिया करोगी, और यदि द्रौपदी मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं स्वयं आत्महत्या कर लूंगा। अर्जुन ने इशारा किया, कृष्ण ने रथ निकाला, दोनों रथ के ऊपर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा किए। अश्वत्थामा रथ पर सवार होकर अपने रथ को बहुत दौड़ाया। अश्वत्थामा के घोड़े बहुत दौड़े और दौड़ दौड़ कर थक गए। अश्वत्थामा रथ से उतर गया, अर्जुन भी रथ से उतर गए, और अर्जुन जैसे ही अश्वत्थामा को पकड़ने गए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़ते ही प्रलय का समय प्रकट हो गया, अंधकार छा गया, धुआं फैलने लगा। अर्जुन समझ नहीं पाया, तुरंत अर्जुन भगवान कृष्ण के शरणों में गया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम अभयंकर त्वम एक दैय माना नाम अपवर घोषी संस्कृते। हे कृष्ण त्राही माम, आप मेरी रक्षा करो, ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया है। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानता है परंतु ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना नहीं जानता है। इसलिए अर्जुन एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र वापस खींच लो। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने किया, और पुनः अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और पशुवत पाश बंधम, जैसे पशु को रस्सी के बंधन में बांधा जाता है वैसे अर्जुन ने अश्वत्थामा को रस्सी के बंधन में बांध दिया, द्रौपदी के चरणों में सौंप दिया। लेकिन द्रौपदी अश्वत्थामा के बंधन को देख नहीं पाई। अश्वत्थामा को रस्सी के बंधन में देखकर द्रौपदी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई और द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भक्तों, ये किसी मनुष्य में सबसे बड़ा गुण माना जाता है, अपराधी को क्षमा कर देना। आज भगवान कृष्ण द्रौपदी से प्रेम करते हैं, द्रौपदी की बार बार रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी में बहुत सुंदर गुण है क्षमा करने का। इस संसार में जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा कर देता है वो महान माना जाता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। अपराध करने वाला छोटा माना जाता है और क्षमा करने वाला बड़ा माना जाता है। 50 साल का बूढ़ा अपराध करे और 5 साल का लड़का यदि क्षमा कर दे
तो 5 साल का लड़का उस 50 साल से महान माना जाता है। आज द्रौपदी की महानता प्रकट हुई और कहा, पतिदेव इसे छोड़ दो, इसे क्षमा कर दो। उस समय अर्जुन ने कहा, नहीं इसे मार डालो। नकुल सहदेव आए, इसे छोड़ दो। भीम आए, इसे मार डालो। पांडवों में दो पक्ष खड़ा हो गया, इसे छोड़ दो, इसे मार दो। तब भगवान कृष्ण आए, बोले तुम झगड़ा मत करो, मैं तुम्हें एक नीति बताता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को नीति बनाई, ब्रह्म बंधो न हंतव्य आतताही वधारण। अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी हैं और आतताई भी हैं, अब निर्णय आपको करना है। अर्जुन धर्म संकट में फंस गए, परंतु कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, भगवान अपने भक्त को बुद्धि देते हैं। उस समय अर्जुन ने सोचा कि महान व्यक्ति का अपमान कर देना ये उसकी मृत्यु के समान। अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के मस्तक पर ब्रह्म तेज के कारण जो रोचक मणि था उसे निकाल दिया और अश्वत्थामा के बाल को बिगाड़ दिया और उसको रिहा कर दिया, अश्वत्थामा को लज्जित करके छोड़ दिया। दूसरी ओर भगवान कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज युद्ध में जीत गए हैं और कृष्ण ने 3 अश्वमेघ यज्ञ कराए, पितरों का तर्पण कराया, सब कुछ ठीक हो गया। भगवान कृष्ण पांडवों से आज्ञा लेकर, देवी कुंती से आज्ञा लेकर हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण अपने दिव्य रथ पर सवार हो गए और उद्धव जी और सात्यकी को आदेश देना था कि अब रथ चलाओ। उसी समय अश्वत्थामा ने बदले की आग में 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े, 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा ब्रह्मास्त्र अर्जुन की पत्नी उत्तरा के गर्भ के ऊपर, कि इस वंश का सफाया कर दूंगा। और जब उत्तरा को पता चला तब उत्तरा दौड़ती दौड़ती भगवान के पास आई। भगवान रथ पर सवार है, अब जाने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तरा दौड़ती हुई आई, पाही पाही महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यम त्व अभियम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाही माम हे कृष्ण, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, इस ब्रह्मास्त्र से आप मेरी रक्षा कीजिए। देवी उत्तरा भगवान श्री कृष्ण से रक्षा मांग रही हैं। अब कल के सत्र में हम देखेंगे भगवान कृष्ण किस प्रकार से उत्तरा की रक्षा करते हैं, देवी कुंती किस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। कल के सत्र में 6 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी भक्तों से निवेदन है, समय से आइए, कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। ये जो दृश्य है जहाँ से परीक्षित महाराज का जो प्राकट्य है उत्तरा देवी का, वो सब अभी आने वाला है, तो आज तो बहुत सुंदर था ही, कल का जो विषय है और अति रोचक है। दिन ब दिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कथा का जो स्वाद है बढ़ता बढ़ता चला जाएगा। तो हम सब काफ़ी आभारी हैं श्रीमान लाल गोविंद प्रभु के इस, और हम सब 3 बार जोर से हरि बोल बोल के उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कल ये कथा फिर 6 बजे चालू हो जाएगी। भक्तों से अनुरोध है कि समय पे आएं और जो छोटे बच्चे हैं उनको आप पीछे ही रखें, या अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो थोड़े साइड में रहिए, या इन जिधर भी हैं बच्चे, बच्चों को थोड़ा दूर रखिए जिससे कि कथा में व्यवधान ना आए। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया बीच में, जब सूचना होने के बाद बहुत सारे बच्चे शांत हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं